पैराबोला पर एक और क्वेश्चन करें, पैराबोला की टेंजेंट पर बेस्ड, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और टेंजेंट, इन दो की ज्योमेट्री अपन ने बहुत बढ़िया से एक्सप्लोर की है और इन पर बेस्ड अब हम सवाल लगाएंगे। पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स की अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो टेंजेंट है यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स की अगर हम बात करते हैं ये कुछ ऐसी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स लाइक दिस। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द लाइन दिस। इस लाइन के हर पॉइंट से इस पैराबोला को पेयर ऑफ टेंजेंट खींची गई। अब इस लाइन को अगर घुरियाएं 3x प्लस y इक्वल टू 2, इस लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट ले सकते हैं। अगर x कोऑर्डिनेट को लैम्डा कह दें तो x की जगह लैम्डा रखें तो y की वैल्यू 2 माइनस 3 लैम्डा हो जाएगी। यानी इस पर कोई भी पॉइंट इस लाइन पर ऐसा लिया जा सकता है, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन एज दिस, शो दैट देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट। साबित करना है कि इनकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी। चलिए देखें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, आइए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकालें। कैसे निकलेगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन, बहुत आसान। वाई वाई वन इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स प्लस एक्स वन बाई टू। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन और टेंजेंट की इक्वेशन एक ही होती है, दोनों का एक्सप्रेशन सेम होता है। वह एक्सप्रेशन ज्योमेट्रिकली क्या डिनोट करता है ये निर्भर करता है उस पॉइंट पर x1 y1 पर। अगर x1 y1 बाहर है तो वही इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट देगी, और अगर x1 y1 कर्व के ऊपर है तो वही एक्सप्रेशन वही इक्वेशन आपको टेंजेंट देगी। तो ये आ गई एक जनरल कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन। आइए इसको रीअरेंज कर ले, 2y माइनस 3 लैम्डा y, 2 से 2 कट गया, माइनस 2x माइनस 2 लैम्डा, सबको एक साइड ले आए, 2y प्लस 3x माइनस 3 लैम्डा वाई प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। अरे रे रे रे, क्या देख लिया आंखों ने सवेरे सवेरे, प्लस लैम्डा टाइम्स यहां पर आ जाएगा 2 माइनस 3y इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान से देखें ये कौन सी रूप की आ गई, l1 प्लस लैम्डा l2 इक्वल टू 0 के फॉर्म की, ये आ गई l1 प्लस लैम्डा l2 इक्वल टू 0 के फॉर्म। तो अगर देखो इस पर कोई भी जनरल पॉइंट है तो अगर l1 प्लस लैम्डा l2 इक्वल टू 0 के फॉर्म की आ रही है तो लाइन हमेशा कहां से निकलेगी, l1 और l2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से। यानी ये जितनी भी लैम्डा की अलग 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 वैल्यू रखते जाओगे इस लाइन पर अलग 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 पॉइंट मिलता जाएगा, और इस सारे अलग 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 पॉइंट्स से आपको अलग अलग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मिलेगी। लेकिन जितनी भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होंगी ये सब के सब पास करेंगी l1 और l2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो l1 और l2 के इंटरसेक्शन पॉइंट यानी 2y प्लस 3x इक्वल टू 0 और दूसरा 2 माइनस 3y इक्वल टू 0। और सॉल्व कर लें y की वैल्यू तो 2 बाई 3 निकल के आ गई, 2 बाई 3 4 बाई 3 माइनस 4 बाई 3 माइनस 4 बाई 9 ये लीजिए। यानी इस लाइन के अलग अलग पॉइंट से हम जो पेयर ऑफ टेंजेंट खींचेंगे उन सारी की जो अलग 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 कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगी, जितनी भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगी वो सारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्टें माइनस फोर बाई नाइन कॉमा टू बाई थ्री से पास करेंगी। कॉपी कर लीजिए, हाँ कोई बात नहीं। तो ये 2x को इधर लाएंगे तो ये एक्चुअली तुम्हारा 2x निकल के आएगा, बाकी सारा सही है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी इस करेक्शन कर लें, ये चीज़ निकल के आएगी 2x। तो y की वैल्यू अगर 2 बाई 3 आ गई तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वह भी 2 से 2 काट दें तो y माइनस 2y। तो करेक्शन कर लें, यहाँ पर 2x लाए ना इधर 2x तो ये आएगा माइनस 2y3 कॉमा 2y3। कॉपी कर लें। टेंजेंट की बात अपन ने कर ली और टेंजेंट थोड़े बहुत सवाल भी देख लिए, टेंजेंट साथ जुड़ी हुई कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात भी कर ली। अब हम बात करेंगे नॉर्मल। आइए बात करें नॉर्मल की। पैराबोला को नॉर्मल जो है, नॉर्मल जबरदस्त है एक्चुअली, और पैराबोला की नॉर्मल तो और ही जबरदस्त है। इनफैक्ट इलिप्स और हाइपरबोला के अंदर नॉर्मल की इतनी स्टडी नहीं करनी पड़ती, लेकिन गजब है नॉर्मल की स्टडी। चलिए नॉर्मल की बात करते हैं। तो नॉर्मल निकालना, वापस अपने स्टैंडर्ड पैराबोला पर आ जाइए, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स पर आ जाइए। सबसे पहले हम नॉर्मल निकालेंगे एट पॉइंट
80 स्क्वायर कॉमा 280। अब देखिए अगर पॉइंट का पैरामीटर टी है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t, तो नॉर्मल का स्लोप माइनस, यानी पॉइंट के पैरामीटर स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल में कितना गजब का रिश्ता है। यानी भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है, आइए देखें। पैरामीटर ऑफ पॉइंट ये और कुछ भी नहीं है, ये 1/ स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर है और यही माइनस टाइम्स स्लोप ऑफ नॉर्मल के बराबर है। ये बिल्कुल ध्यान दें, पैरामीटर ऑफ पॉइंट 1/ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर पॉइंट का पैरामीटर टी है तो टेंजेंट की स्लोप 1/t और नॉर्मल की स्लोप माइनस टी। स्लोप पता, पॉइंट पता, छोटे छोटे बच्चे नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं, y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी x माइनस 80 स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 80 क्यूब प्लस 280। ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन एट पॉइंट टी। यहीं पर मैं लिखना चाहता हूं नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप m। मैं स्लोप m के टर्म में नॉर्मल लिखना चाहता हूं कि अगर नॉर्मल का स्लोप पता तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख दीजिए, बहुत इजी। अगर आपको नॉर्मल का स्लोप पता है तो m किसके बराबर है, अरे माइनस t है, तो t किसके बराबर है, माइनस m है। t किसके बराबर, माइनस m, तो t की जगह माइनस m रख दीजिए, तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप के टर्म में। इतना ही नहीं, आपको पॉइंट ऑफ नॉर्मेलसी भी पता। अगर नॉर्मल का स्लोप m है तो जिस पॉइंट पर ये नॉर्मल होगी उस पॉइंट का पैरामीटर माइनस m हो जाएगा, तो पॉइंट ऑफ नॉर्मेलसी निकल के आ जाएगा am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। इतना नजदीकी मामला है, इतना क्लोज रिश्ता है कि क्या पॉइंट का पैरामीटर टी पता तो नॉर्मल की इक्वेशन पता, नॉर्मल का स्लोप पता तो नॉर्मल की इक्वेशन पता। अच्छा, यहां से एक छोटी सी बात ऑटोमेटिक आती है मन में कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल बी नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इफ सी इज इक्वल टू माइनस 2am माइनस am क्यूब। लीजिए आ गई कंडीशन ऑफ नॉर्मेलसी। जैसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी थी c इक्वल टू a बाई m, वैसे कंडीशन ऑफ नॉर्मेलसी खुद सोचो y इक्वल टू mx प्लस c। ये कब नॉर्मल होगी, जब c इसके बराबर हो जाए, यानी c किसके बराबर हो जाए, माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो मतलब नॉर्मल का स्लोप पता तो पॉइंट ऑफ नॉर्मेलसी पता। अच्छा आगे देखिए, यहीं पर लिख देते हैं नॉर्मल एट एक्स वन वाई। अब एक्स वन वाई वन पर नॉर्मल चाहिए तो यहाँ पहले टेंजेंट लिखिए। टेंजेंट क्या होगी, वाई वाई वन इज इक्वल टू 2ax प्लस एक्स वन। अब आप बोलेंगे गुरुजी टेंजेंट क्यों लिख डाली, क्योंकि इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। टेंजेंट का स्लोप 2a बाय वाई वन, तो नॉर्मल का स्लोप माइनस वाई वन बाई टू है। तो आ गई नॉर्मल इक्वेशन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन बाई टू इंटू एक्स माइनस एक्स। ये लीजिए नॉर्मल की, मतलब पॉइंट का पैरामीटर और नॉर्मल का स्लोप में इतना क्लोज रिश्ता है। मुझे पता नहीं था कि अगर किसी पॉइंट का पैरामीटर 2 है तो नॉर्मल का स्लोप माइनस 2 है, किसी पॉइंट का पैरामीटर 3 है तो नॉर्मल का स्लोप माइनस 3। ये लीजिए नॉर्मल की इक्वेशन हर तरीके से लिखने आ गई। पॉइंट का पैरामीटर पता तो लिख सकते हैं, स्लोप पता तो लिख सकते हैं, पॉइंट पता तो लिख सकते हैं, साथ में कंडीशन ऑफ नॉर्मेलसी भी। y इक्वल टू mx प्लस c अगर कोई लाइन गिवन है, और अगर वो गिवन पैराबोला को, स्टैंडर्ड पैराबोला को नॉर्मल होनी है तो क्या होना चाहिए, c शुड बी इक्वल टू माइनस 2m माइनस am क्यूब। कॉपी करें भाई, नॉर्मल की इक्वेशन पढ़ ली। नॉर्मल से जुड़े हुए तीन चार जबरदस्त रिजल्ट। अब नॉर्मल पढ़ ली तो नॉर्मल पर रिजल्ट और नॉर्मल पर क्वेश्चन करेंगे। सब बच्चे नॉर्मल पर रिजल्ट देखेंगे। ये सारे के सारे जितने भी रिजल्ट मैं बता रहा हूँ ये सारे स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए है। देखो जेई के सिलेबस में जो नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला के क्वेश्चन आते भी हैं तो वह ज्योमेट्री बेस्ड आते हैं, ज्योमेट्री के सोचने से हो जाते हैं। आइए यहाँ पर बात करें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं, सब बच्चे ध्यान देंगे। सोचिए सोचिए,
अगर T1 पॉइंट पर खींची गई नॉर्मल, अगर T1 पॉइंट पर खींची गई नॉर्मल पैराबोला को दोबारा T2 पर काट देती, अगर T1 पॉइंट पर, पिछले टर्न पे कितने रिजल्ट तक पहुंच गए थे अपन लोग, रिजल्ट नंबर क्या था ज्यादा कुछ आप लोगों को, कितना 23। तो ये रहा रिजल्ट 24। अब यहां से रिजल्ट की झड़ियां लगेगी, ध्यान देंगे। T1 पर खींची गई नॉर्मल अगर पैराबोला को दोबारा T2 पर काटती है तो हम T2 को T1 के टर्म में निकालना चाहते हैं। T1 पर खींची गई नॉर्मल अगर पैराबोला को दोबारा T2 पर काटती है तो हम T2 को T1 के टर्म में निकालना चाहते हैं, ठीक है। T1 पर ये लाइन नॉर्मल है तो इसके हिसाब से इस लाइन का स्लोप -T1, और यही लाइन T1 T2 को जोड़ने वाली कॉर्ड भी है तो इसका स्लोप 2/T1+T2। देखो लाइन तो वही है, चाहे इसको T1 T2 को जोड़ने वाली कॉर्ड की तरह सोच लो, चाहे T1 पॉइंट पे नॉर्मल की तरह सोच लो। अगर T1 पॉइंट पे नॉर्मल की तरह सोचो तो इसका स्लोप -T1 आना चाहिए, और T1 T2 को जोड़ने वाली कॉर्ड की तरह सोचो तो इसका स्लोप 2/T1+T2 आना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। -T1 शुड बी इक्वल टू T/T1+T2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो T1+T2 शुड बी इक्वल टू -2/T1। गजब रिजल्ट, गजब। -T1 -2/T1 रटा हुआ होना चाहिए। T1 पर खींची गई नॉर्मल पैराबोला को दोबारा से काटता है -T1 -2/T1 पर खींची गई नॉर्मल पैराबोला को दोबारा से काटता है -T1 -2/T1। बिल्कुल याद होना चाहिए, कॉपी करें। तो रिजल्ट 24 है। रिजल्ट 24 बेटा बहुत सारी जगह काम में आएगा, बहुत जगह काम में आएगा। T1 पर खींची गई नॉर्मल अगर पैराबोला को दोबारा काटती है तो T2 के कोऑर्डिनेट्स यूं याद होने चाहिए, -T1 -2/T2। आइए यहीं पर रिजल्ट 25। ये रिजल्ट 25 का 2-3 बार इस्तेमाल हो चुका है IIT में। ध्यान देखेंगे। मान लीजिए T1 पर, यह मैं टेंजेंट बनाता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, टेंजेंट का कोई यूज नहीं। मान लो T1 पर खींची गई नॉर्मल पैराबोला को T3 पर काटती है, और कमाल की बात है कि T2 पर खींची गई नॉर्मल भी पैराबोला को T3 पर ही काट देती है। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि T1 की नॉर्मल भी पैराबोला को T3 पर काटे, ये पीले रंग से इसको बना देता हूं टेंजेंट को, ये टेंजेंट सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बनाई गई है, इनका इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं। T1 पर खींची गई नॉर्मल भी पैराबोला को T3 पर काटती है, और T2 पर खींची गई नॉर्मल भी पैराबोला को T3 पर काटती है। तो T1, T2, T3 के बीच में रिलेशन पता होने चाहिए। इस रिलेशन का आगे जाके भर भर के यूज आने वाला है। आगे जाके T1 पर खींची गई नॉर्मल भी अगर T3 पर पैराबोला को काटती है, T2 पर खींची गई नॉर्मल भी अगर पैराबोला को T3 पर काटती है, तो T1, T2, T3 के बीच में कुछ रिश्ते चाहिए। अच्छा, अगर T1 पर खींची गई नॉर्मल पैराबोला को T3 पर काटती है तो पिछले रिजल्ट के हिसाब से T3 -T1 -2/T1 होना चाहिए, और अगर T2 पर खींची गई नॉर्मल अगर पैराबोला को T3 पर काटती है तो पिछले रिजल्ट के हिसाब से ये -T2 -2/T2 होना चाहिए, ये होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, इनको इक्वेट कर दें। -T1 -2/T1 शुड बी इक्वल टू -T2 -2/T2। अल्टीमेटली T3 तो सेम ही है, चलिए अच्छा, तो -, साइन कट जाएगा, तो T1 + 2/T1 शुड बी इक्वल टू T2 + 2/T2। इसको इधर ले आए तो T1 - T2 इज इक्वल टू 2/T2 - 2/T1। यहाँ से T1 - T2 2 × T1 - T2 / T1 T2। T1 - T2 का भी जीरो नहीं होगा क्योंकि T1 और T2 अलग अलग बिंदु हैं। पहला खतरनाक रिजल्ट कि T1 T2 = 2 याद होना चाहिए। अगर T1 पर खींची गई नॉर्मल पैराबोला को जिस पॉइंट पर काटती है उसी पॉइंट पर T2 पर खींची गई नॉर्मल भी काटती है तो T1 T2 होना चाहिए, वरना मेंस के पेपर में पूछते रहोगे T1 और T2 पर खींची गई नॉर्मल अगर पैराबोला को जिस पॉइंट पर काटती है अगर उसी पॉइंट पर T2 पर खींची गई नॉर्मल भी काटती है तो T1 T2 होना चाहिए। बिल्कुल रट लें, T1 पर खींची गई नॉर्मल पैराबोला को जिस पॉइंट पर काटती है अगर उसी पॉइंट पर T2 पर खींची गई नॉर्मल भी पैराबोला को काटती है तो T1 T2 होना चाहिए।
एक और रिश्ता ध्यान से देखें, गजब का रिश्ता। इस ये चीज आंखों से दिख रही होगी, ये चीज आंखों से दिख रही होगी। चलिए इसको लिख रहा हूं, वही लिख रहा हूं। तो T3 - T1 - 2/T1 घूरे। यहां से देखें तो T2 की वैल्यू 2/T1 आ गई, रख दें तो T3 = -T1 - T2 आ जाएगा उत्तरी। T1 + T2 + T3 की वैल्यू 0 हो। अगर T1 पर खींची गई नॉर्मल और T2 पर खींची गई नॉर्मल पैराबोला के ऊपर ही सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो T1 × T2 की वैल्यू 2 होगी और साथ में T1 + T2 + T3 0 होगा। कॉपी करो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिस रिजल्ट का आधा हिस्सा तो हम लोग ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। अगर T1 और T2 पर खींची गई टेंजेंट, ध्यान देंगे सब बच्चे, एक पॉइंट है T1, ये पॉइंट T1 अपना आ गया, और एक पॉइंट है T2, ये पॉइंट अपना T2 आ गया। तो T1 और T2 पर खींची गई टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट हम ऑलरेडी बता चुके हैं, AT1 T2 - AT1 + T2। ऐसे ही T1 और T2 पर खींची गई नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट बिल्कुल याद होना चाहिए। T1 और T2 पर अगर आपने नॉर्मल खींची है तो नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, वो होगा A × T1² + T2² + T1T2 + 2, बिल्कुल ध्यान देंगे, −A T1T2 T1 + T2। ये लीजिए, टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट पहले ही बता चुके हैं। ये है रिजल्ट 26। ये रिजल्ट याद रखिए वरना दिक्कत आएगी आप हर क्वेश्चन में उलझेंगे। T1 और T2 पर खींची गई टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट और T1 और T2 पर खींची गई नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा याद होना चाहिए। टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट AT1 T2 - AT1 + T2 और नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट A × T1² + T2² + T1T2 + 2 - AT1 T2 T1 + T2। कॉपी करिए। अब मैं एक और गजब का पैंतरा आपको सिखाने जा रहा हूं, इस पैंतरे पर सब बच्चे ध्यान देंगे। छोटा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन के जरिए एक गजब का ज्योमेट्रिकल पैंतरा मैं आपको सिखाऊंगा, इसको ध्यान देंगे। मिडिल पॉइंट का एक पैंतरा मैंने सिखाया था, आइए एक और पैंतरा जबरदस्त। क्वेश्चन कहता है फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑन एनी टेंजेंट ऑफ पैराबोला। ओरिजिन से अगर किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर खींची जाए तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है। जब भी ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस आए, तो एक गजब का पैंतरा मैं आपको बताता हूं। अगर किसी भी लाइन पर ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर H, K है, इस लाइन का स्लोप K/H (y2 - y1, x2 - x1), तो इस लाइन का स्लोप -H/K, तो इस लाइन की इक्वेशन निकल के आ जाएगी (y - K - H/K) × (x - H), जिसको रीअरेंज कर लेंगे तो (ky + xh) = (h²+k). ये याद होना चाहिए। अगर ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर H, K है, तो उस लाइन की इक्वेशन होगी (ky + xh) = (h²+k). तो लाइन की इक्वेशन होगी (ky + xh) = (h²+k). बिल्कुल ध्यान देना, (ky + xh) = (h²+k). अब सब बच्चे ध्यान देंगे इस बात पर। अब बोलता है फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एनी टेंजेंट। अच्छा चलिए ऑन एनी टेंजेंट की बात करें। अगर ऑन एनी टेंजेंट की बात करते हैं, चलो टेंजेंट की बात करते हैं, अपन मान लेते हैं लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी H, K। तो हमारे हिसाब से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, (ky + xh) = (h²+k²). और अगर ये लाइन टेंजेंट है, तो क्या होना चाहिए, C = A/M होना चाहिए। तो कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन K = A / -H/K।
मिल गया लोकस, एच को एक्स से रिप्लेस कर दें और के को वाई से रिप्लेस कर दें, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस ए वाई बाय। अपन को ना डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ी ना कुछ करने की जरूरत पड़ी, फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, टेंजेंट पर अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस चाहिए, तो हमने रिवर्स अप्रोच लगाई कि अगर ये पॉइंट एच कॉमा के है तो हमारे हिसाब से ये लाइन की इक्वेशन ये होनी चाहिए। किसी भी लाइन पर अगर ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर एच कॉमा के है तो ये होनी चाहिए लाइन की इक्वेशन, सीधी सी बात। अब अगर वो लाइन टेंजेंट है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो, अब अगर वो लाइन नॉर्मल है कंडीशन ऑफ नॉर्मलसी लगा दो। अब ये लाइन इस बार टेंजेंट थी तो क्या होना चाहिए था, c इक्वल टू बाय m मिल गई। कॉपी करिए, एक और क्वेश्चन करें, वही क्वेश्चन अब अपन नॉर्मल के लिए करने जा रहे हैं थोड़ी आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। मान लो यहीं पर मैं बोलूं फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू एनी नॉर्मल ऑफ पैराबोला। इस बार किसको है, नॉर्मल को निकालना है। मेथड शायद आप समझ गए होंगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के आंखों में पूरा आंसर भी आ गया हो। नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अब ओरिजिन से अगर इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर को लोकस चाहिए। वही पुरानी कहानी पड़ती है दोहरानी, हम बोल देंगे यदि फुट ऑफ परपेंडिकुलर एच कॉमा के है तो हमारे हिसाब से ये इक्वेशन होगी के वाई प्लस एक्स एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको जमा लो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आ गया आपके पास। अब अगर ये लाइन पैराबोला को नॉर्मल है तो कंडीशन ऑफ नॉर्मल सी इज इक्वल टू, गंदी सी इक्वेशन बनेगी माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब, बहुत बर्बाद, पर कोई बात नहीं। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के इज इक्वल टू माइनस टू ए एम, एम कितना माइनस एच बाई के, माइनस ए एम क्यूब कितना माइनस एच बाई के का होल क्यूब। थोड़ा सा सब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आ गई फुट ऑफ परपेंड माइनस प्लस टू ए एच बाई के प्लस ए एच क्यूब अपॉन के, मिल गया लोकस। एच को एक्स से रिप्लेस कर दें, के को वाई से रिप्लेस कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन वाई इज इक्वल टू टू ए एक्स बाई वाई प्लस ए एक्स क्यूब अपॉन वाई। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, क्या पैंतरा लगा रहा हूं मैं, कॉपी करिए। एक और बेहतरीन रिजल्ट हम निकालने जा रहे हैं, ये बेहतरीन रिजल्ट ध्यान रखेंगे, इस पर बेस में बहुत अच्छे क्वेश्चन लूंगा, रिजल्ट भी और सवाल भी है। क्वेश्चन कहता है फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट ऑफ पैराबोला। आइए बात करें, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, आइए कोशिश करें। लेकिन आपकी बार कहां से निकालना है, फोकस से, तो आपका ओरिजिन वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा। ये लीजिए, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट, ठीक है, और ये फोकस है ए कॉमा जीरो। तो फोकस से अगर इस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो हमको इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है, टू फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चलो देखते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी, तो हमारे हिसाब से टेंजेंट की इक्वेशन वाई इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी। तो भाई साहब टेंजेंट की स्लोप कितनी, वन बाई टी, तो इसकी स्लोप कितनी माइनस टी, परपेंडिकुलर लाइन है, तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी y माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस टी इंटू एक्स माइनस ए। ये आ गई लाइन की इक्वेशन, यानी इस लाइन की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस ए टी। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे देगा, बहुत आसान काम किया मैंने। अगर जनरल पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो तो आप क्या करें, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल। मान लो हम कह देते हैं
कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर एच कॉमा के है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल ले, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा 0.80, यानी एच की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 80। अब आपको लोकस में पता ही होगा कि एच और के में से कोई कॉन्स्टेंट हो गया तो वही लोकस होता है। उत्तरी एक्स इक्वल टू 0, वाई एक्सिस दैट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स, रिजल्ट 27। जहां पर टेंजेंट टेंजेंट एट वर्टेक्स को काटती है, जहां पर टेंजेंट टेंजेंट एट वर्टेक्स को काटती है वही पॉइंट होता है फोकस से ड्रॉ किया गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जहां पर टेंजेंट टेंजेंट एट वर्टेक्स को काटती है वही पॉइंट होता है फोकस से ड्रॉ किया गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बिल्कुल रट लें, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस आर ऑलवेज कॉनकरेंट। बिल्कुल रिजल्ट याद रटना, कॉपी करें। आइए कुछ और बढ़िया क्वेश्चन करें, पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है, फिर भी एक और क्वेश्चन करेंगे। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला इंटरसेप्टेड बिटवीन को ऑर्डिनेट एक्सिस। क्वेश्चन क्या कहता है आइए पहले समझें। क्वेश्चन कह रहा है कि पैराबोला की नॉर्मल का जो पोर्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है उसके मिड पॉइंट का लोकस निकाल। अब इसको करने के लिए वापस वही उल्टा पैंतरा ही लगाते हैं। हम मान लेते हैं कि जो मिड पॉइंट है एच कॉमा के है, यदि मिड पॉइंट एच कॉमा के है तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाती है x बाई टू एच प्लस वाई बाई टू के इक्वल टू 1। इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर लिखो तो y इक्वल टू माइनस के बाई एच इंटू एक्स प्लस टू के। देखो ध्यान से चेक कर लो, टू के बिल्कुल इस फॉर्म में आ गई। अब अगर ये लाइन हमेशा ऐसा उल्टा ही करते हैं मिड पॉइंट, अब अगर ये लाइन नॉर्मल है तो कंडीशन ऑफ नॉर्मल सी सी शुड बी इक्वल टू माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। अगर ये लाइन नॉर्मल है तो कंडीशन ऑफ नॉर्मल सी सेटिस्फाई करेगी, तो सी इज इक्वल टू माइनस टू ए एम माइनस के बाई एच माइनस ए एम क्यूब के बाई एच का होल क्यूब। तो टू के इज इक्वल टू टू ए के बाई एच प्लस ए के क्यूब अपॉन एच क्यूब। यहाँ पर अगर देखें तो 2y इज इक्वल टू 2ay बाई एक्स प्लस ए वाई क्यूब अपॉन एक्स। कॉपी कर लीजिए। इसके पहले और इलस्ट्रेशन लें, आइए पैराबोला के एक जबरदस्त ज्योमेट्री को एक्सप्लोर करें। अब थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल, काफी सारी चीजें मैं बताऊंगा और सब बच्चे इन पर ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान देना है। आइए अपना वही स्टैंडर्ड पैराबोला कंसिडर करते हैं। ये स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला पर एक पॉइंट है पी, पॉइंट पी ले लेते हैं। पी पॉइंट पर हमने टेंजेंट खींची, उसने जहां एक्स एक्सिस को काटा उसको टी कह दिया। P पॉइंट पर हमने नॉर्मल खींची, उसने जहां पर x एक्सिस को काटा हमने n कह दिया। उसके बाद P पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को f कह दिया। चलिए आओ खेलें। P पॉइंट को हम वापस मान लेंगे 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकल के आ जाएगी y इक्वल टू x बाई टी प्लस 80, और नॉर्मल की इक्वेशन निकल के आ जाएगी y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। टेंजेंट x एक्सिस को जहां पर काटेगी वहां y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 0। नॉर्मल जहां पर x एक्सिस को काटेगी वहां y कोऑर्डिनेट 0 होगा, 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो खैर
at square comma 0, और यहां पर हमारे पास वर्टेक्स है 0, 0. ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जहां सारी चीजें निकाल दी है। आइए इस डायग्राम को घूरें और गजब के रिजल्ट बनाएं। सबसे पहली चीज हमेशा देखें कि ए इज मिड पॉइंट ऑफ टी एंड एफ। जो वर्टेक्स होता है वो टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मिड पॉइंट। बहुत आराम देखें, वर्टेक्स जो होता है वो टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मिड पॉइंट होता है। वर्टेक्स हमेशा ही टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मिड पॉइंट होता है। दूसरा, कहीं ना कहीं फोकस भी होगा। लेट अस ड्रॉ फोकस। यहाँ पर फोकस को एक अलग ही रंग से ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस यूज दिस कलर। कहीं ना कहीं फोकस होगा, ये फोकस एस ए कॉमा जीरो। आइए अब जरा ध्यान देखें, एस टी लेंथ की अगर बात करें तो ये लंबाई ए प्लस ए टी स्क्वायर आ जाएगी। अगर एस एन लेंथ की बात करें तो ये लंबाई भी ए प्लस ए टी स्क्वायर आ जाएगी। अगर एस पी लेंथ की बात करें, किसी भी पॉइंट की फोकस से दूरी, किसी भी पॉइंट की फोकस से दूरी कितनी होती है, ए प्लस एब्सिसा। उत्तेरी, ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं, यानी एस पी इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू एस एम। ये तीनों के तीनों बराबर होते तो कौन सा बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। इसका मतलब आप ये समझिए कि अगर ये रंग लेते हैं तो बढ़िया सा रंग ले लें। कौन सा रंग लें, ऑरेंज शेड। सुनो ध्यान से, जो दूरी एस एन की है वही दूरी एस पी की है, वही दूरी एस टी की है। यानी फोकस को सेंटर मान के और फोकल डिस्टेंस को रेडियस मान के अगर सर्किल बनाया जाए, फोकस को सेंटर मान के और फोकल डिस्टेंस को रेडियस मान के अगर सर्किल बनाया जाए तो टेंजेंट और नॉर्मल का जो एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट है वो उसी पर लाई करेगा। आइए इस बात को लिख दें। यहां से बिल्कुल देखें, टेकिंग फोकस एज सेंटर एंड फोकल डिस्टेंस एज रेडियस, इफ अ सर्किल इज drawn, then it will pass through intersection point of tangent and normal with axis of para बोला। बिल्कुल ध्यान देना, अगर फोकस को सेंटर मान के और फोकल डिस्टेंस को रेडियस मान, अगर फोकस को सेंटर मान के और फोकल डिस्टेंस को रेडियस मान अगर एक सर्किल बनाया जाए तो वो सर्किल पैराबोला के एक्सिस को वहीं पर काटेगा जहां टेंजेंट और नॉर्मल काट रही है। ध्यान से देखें, यहीं पर हम लोग तीसरे रिजल्ट की बात करते हैं। आइए तीसरे रिजल्ट में सब टेंजेंट, मुझे उम्मीद है कि सब टेंजेंट सब बच्चों को पता होगा। सब टेंजेंट होती है फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इसके बीच की दूरी टेंजेंट का इंटरसेक्शन एफ टी। तो यह आ जाएगा 280 स्क्वायर विच इज 2 times द एब्सिसा। किसी भी पॉइंट की सब टेंजेंट और कुछ नहीं, 280 स्क्वायर के बराबर होगी, 2 times द एब्सिसा के बराबर होगी। अगर यहीं पर हम बात करें सब नॉर्मल, तो सब नॉर्मल क्या होता है, कैलकुलस से आपको याद होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और नॉर्मल के इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की दूरी विच इज 2a कांस्टेंट होती है सेमी लेटस रेक्टम। रटा हुआ होना चाहिए, ब्रह्मांड में एक ही कर्व है जिसकी सब नॉर्मल कांस्टेंट है और वो है पैराबोला। कभी भी कानों में पड़ जाए कि सब नॉर्मल कांस्टेंट, तुरंत समझ जाए किसकी बात चल रही है, पैराबोला। इसकी बात चल रही है पैराबोला। अभी और भी रिजल्ट हैं लेकिन डायग्राम नया बनाएंगे, कॉपी करिए।
ये रिजल्ट अपन ने देख लिए, एक बार हल्का सा निगाह मार ले। अभी रिजल्ट खत्म नहीं हुए हैं, इसी बात से जुड़े हुए और रिजल्ट हैं, आइए उनको भी देख। आइए वापस से अपना फेवरेट पैराबोला बना लें। ये आ गया अपना पैराबोला, वापस से वही एक पॉइंट पी ले लेते हैं, बोर्ड पर दिखेंगे थोड़ा सा, तो यही पॉइंट पी ले लेते हैं। पी पॉइंट पर टेंजेंट खींच दी, पी पॉइंट पे नॉर्मल खींच दी, दोनों आपस में परपेंडिकुलर। टेंजेंट ने इसको टी पॉइंट पर काटा और नॉर्मल ने इसको एन पॉइंट पर काटा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा की तरह इस पॉइंट को एफ कह देते हैं। पी पॉइंट आ गया 80 स्क्वायर कॉमा 280। टी पॉइंट हमने निकाला है -80 स्क्वायर कॉमा 0। ये पॉइंट ए 0.0, यहाँ का ही फोकस ए कॉमा 0, फुट ऑफ परपेंडिकुलर 80 स्क्वायर कॉमा 0, 2a + 80 स्क्वायर कॉमा 0। ये सारे पॉइंट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब एक गजब का ज्योमेट्रिकल रिजल्ट बताने जा रहे हैं, गजब का रिजल्ट, बोर्ड पर देखेंगे। कोई नया रंग का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे इस पर सब बच्चे। तो एक और गजब का रिजल्ट, जैसा कि मैं बात कर रहा था, एक और गजब का रिजल्ट, ज्योमेट्री ज्योमेट्री देखें, ज्योमेट्री। अच्छा देखो, फोकस से मैं इस पॉइंट को जोड़ रहा हूं। अच्छा एक चीज हमने पिछले बोर्ड पर निकाल दी थी कि जो एसटी लेंथ है, एसटी लेंथ और एसपी लेंथ और एसएन लेंथ तीनों बराबर होगी। ये लीजिए, ये निकल गया। अब जरा मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा, एक बढ़िया सा रंग चुन लेते, रंग तो चलो यही सही, क्या करना है। ओके, अच्छा ऑरेंज रंग दिखाई पड़ रहा था सब बच्चों को, ये ऑरेंज कलर दिखाई पड़ रहा है साफ? यस। ठीक 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 है। अब सुनो जरा ध्यान से, अब मैं डायग्राम को मार्क करने जा रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान रखें। देखो मेरी बात सुनो, बिल्कुल आराम सुनना है, ध्यान सुनना है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखो एस टी लेंथ, एस पी लेंथ और एस एन लेंथ दोनों बराबर है, ठीक है। अगर पी एस टी ट्रायंगल को देखो तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो अगर इस एंगल को थीटा कह दो तो ये एंगल भी थीटा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि एस पी लेंथ और एस पी लेंथ दोनों बराबर, आराम से देखना है, थोड़ा ध्यान देना है। एस टी लेंथ और एस पी लेंथ दोनों बराबर है, इसलिए अगर इस एंगल को थीटा कहेंगे तो ये एंगल भी थीटा। अच्छा ये एंगल थीटा, तो ये वाला जो एंगल निकल के आया, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली 90 - थीटा निकल के आ जाता है हमारे पास। अब कंसिडर करें एक हॉरिजॉन्टल लाइन, कंसिडर करें एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, अब सोचो ये लाइन हॉरिजॉन्टल है यानी एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन और एक्सिस आपस में पैरेलल है और ये टेंजेंट ट्रांसवर्सल की तरह हो गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएगा थीटा। कहने का मतलब ये एंगल फिर से पूरा 90 डिग्री ही होगा, तो ये वाला एंगल फिर से तुम्हारे पास 90 - थीटा और ये लाइन क्या है, नॉर्मल। रे भैया, यानी ये लाइन जितना एंगल नॉर्मल के साथ बना रही है, ये लाइन भी उतना ही एंगल नॉर्मल के साथ बना रही है। एकदम से याद आती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है और रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन द सेम तेरी। इससे हम पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं, बोर्ड पर देखेंगे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। कोई भी लाइट रे अगर फोकस से निकलती है तो टकराने के बाद वो एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से निकलती है तो टकराने के बाद वो एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एनी लाइट रे इमिनेटिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर इंटर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू एक्सिस। इसका गजब का यूज है। आजकल की जो गाड़ियां आती हैं, पहले पुराने में नहीं, उनकी हेडलैम्प पैराबोलिक होती है, उनकी हेडलाइट जैसे पैराबोलिक होती है और जो बल्ब लगाया जाता है वो बिल्कुल उसके फोकस पे लगाया जाता है ताकि आपको बिल्कुल पैरेलल बीम मिले। तो यहां पर पहली बात लिख रहा हूं, इसकी हेडिंग अपन लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। ये कहती है
any light ray coming from focus after reflection will become parallel to axis of parabola. Parallel to axis of parabola. इसका गजब का यूज जो है ना रियल लाइफ में भी खूब गजब का यूज है. पुराने टाइम में जब मंदिरों के सब गुंबद ऐसे बनते थे पैराबोलिक बनते थे और जो घंटी लगाई जाती थी फोकस पे ताकि जब करें तो साउंड वेव बिल्कुल पैरेलल आपके सर को स्ट्राइक करे, उससे आपके माइंड का ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है. छोटी छोटी बातें लोगों को समझा नहीं सकते थे तो उनको ऐसे ऐसे व्यवहार में ला दिया गया कि आप जाएं तो ऐसा करें ऐसा करें ताकि ऑटोमेटिक सबकी इंटेलिजेंस बढ़ती रहे. इसका उल्टा भी ट्रू है. आइए उल्टे की बात करें. कोई भी लाइट रे अगर एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो टकरा के फोकस से पास हो. कोई भी लाइट रे अगर एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो टकरा के फोकस से पास हो. ये आपके डिश एंटीना में यूज होते हैं. इंफिनिटी से आने वाली रेज फिजिक्स में पैरेक्सियल मानी जाती है. इंफिनिटी शब्द का मतलब इतना ही है, फोकल डिस्टेंस से बहुत बड़ा, दैट इज इंफिनिटी, 100 टाइम फोकल डिस्टेंस. तो आप सोचो सैटेलाइट से आने वाली रेज जो डिश एंटीना से फोकस करके जाता है इसी से करके, तो डिश एंटीना एक बहुत बड़े पैराबोला का छोटा सा पार्ट, छोटा सा हिस्सा होगा तो पैराबोला ही, भाई मिठाई का टुकड़ा भी मिठाई ही कहलाएगा. वैसे एक बहुत बड़े पैराबोला का छोटा सा पार्ट होता है और जो आपका रिसीवर होता है वो बिल्कुल उसके फोकस पे लगाया जाता है और उसको बिल्कुल ऐसे सैटेलाइट के ऐसे कर देते हैं ताकि वहां से बिल्कुल पैरेक्सियल रेज आए. वो इंस्ट्रूमेंट लेके आता है, रेज की डायरेक्शन देखता है और वो रेज ऐसे आएंगी और टकरा के बिल्कुल रिसीवर पर मिलेंगी और आपको बढ़िया रिसेप्शन मिलेगी. सब ज्यादा रियल में यूज पैराबोला का ही है. ये भी ध्यान रखें, इसको भी लिख देता हूं, इसको यहां लिख देता हूं. एनी लाइट रे कमिंग पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला आफ्टर रिफ्लेक्शन will pass through focus. Reflection के बाद कहां पास होगी? Focus. गजब की reflection property of parabola है. मैंने इसको geometrically आप लोगों के लिए proof भी कर दिया है. Copy करिए.